नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जीवतिया या जीतिया बोलते हैं। हमारे बिहार में इसे जीतिया बोला जाता है, वहाँ पे जीवतिया बोलते हैं। जीवित पुत्री का व्रत का जो 2023 का जो आने वाला है, ये बहुत बड़ा संशय बना हुआ है कि कब है, 6 तारीख को है या फिर 7 तारीख को है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी का समाधान बताने वाली हूँ कि जीवित पुत्री का व्रत कब करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो पूजा पाठ करवाते हैं, तो उनके चैनल पे, उनका चैनल का नाम है ओम पूजा पाठ, तो उस चैनल पे आपको जो भी व्रत त्यौहार इत्यादि आते हैं उससे रिलेटेड आपका वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। तो आप जाकर ओम पूजा पाठ चैनल पे देख सकते हैं, और कुछ जो ऐसे खास व्रत त्यौहार आते हैं तो मैं भी अपने चैनल पे इसी तरह की वीडियो डालती रहती हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से तिथि को जीतिया करना चाहिए। तो जो जीतिया हम करेंगे वो अष्टमी और नवमी जिसमें लगता हो, अष्टमी में पूजा करना चाहिए और नवमी में जीतिया का पारण करना चाहिए। सप्तमी और अष्टमी जिसमें लगा हो वो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे पुत्र होते हैं, उनके ऊपर कष्ट का कारण बनता है। जब आप जीतिया की कथा सुनेंगे तो आपको ये जो मैं बता रही हूँ, सप्तमी और अष्टमी, अष्टमी और नवमी, तो ये आपको कथा में भी श्रवण करने को मिल जाएगा। आप जब कथा सुनेंगे तो आप इस तिथि को याद रख लीजिएगा कि किस तिथि में उसमें लिखा हुआ है क्या फल की प्राप्ति होती है। तो मैं बता दूं कि इस बार 6 को है या 7 को 2023 में जीतिया हम मनाएंगे महिलाएं। तो जो जीतिया मनेगा वो इस बार 7 तारीख को मनेगा। 6 वाला बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कहीं कहीं पे कि 6 तारीख को करना है, और कहीं पे हो रहा है कि 7 को करना है। तो 6 को जो होगा वो सप्तमी और अष्टमी है, तो यहाँ पे हम 6 वाला नहीं करेंगे, हमें 7 वाला करना है, क्योंकि 7 तारीख वाला जो आ रहा है वो अष्टमी और नवमी आ रहा है, तो इसमें शुभ फल की प्राप्ति होती है, तो हमें 7 वाला ही करना है। और जीतिया का जो पारण करना है वो 8 तारीख को करना है, सूर्य उदय के बाद हम जीतिया का हम पारण करेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।